नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। भगवान शेषनाग साधना। दोस्तों, यह साधना अखंड धन प्राप्ति के लिए है। यहाँ तक देखा गया है, इस साधना से आसन की स्थिरता भी मिलती है। धन मार्ग में आ रही बाधा अपने आप हट जाती है। नाग देवता के इस रूप को आप सभी जानते हैं। भगवान विष्णु के सुरक्षा आसन के रूप में जाने जाते हैं। यह भगवान विष्णु का अभेद्य सुरक्षा कवच है। जब कोई साधक सच्चे मन से भगवान शेषनाग की उपासना या साधना करता है, तो उसके जीवन के सारे दुर्भाग्य का नाश कर देते हैं। उसके जीवन में अखंड धन की बरसात कर देते हैं। अगर जीवन के उन्नति के सभी मार्ग बंद हो गए हैं, अगर जीवन में अचल संपत्ति की कामना है, आय के स्रोत नहीं बन रहे, तो आप भगवान शेषनाग की साधना से वह आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी साधक भगवान शेषनाग की साधना करता है, उसे अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, कर्ज से मुक्ति देते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है, जीवन में सभी कष्टों का नाश करते हैं। इस साधना का विधि इस प्रकार है। इसमें साधना सामग्री जो लेनी है, लाल चंदन की लकड़ी के टुकड़े, नीला और सफेद धागा जो तकरीबन 8-8 उंगल का हो, कलश के लिए नारियल, सफेद व लाल वस्त्र, पूजन में फल, पुष्प, धूप, दीप, 5 मेवा आदि। सबसे पहले पूजा स्थान में एक बाजूट पर सफेद रंग का वस्त्र बिछा दे और उस पर एक पात्र में चंदन के टुकड़े बिछाकर उस पर एक 7 मुख वाला नाग का रूप आटा गूंथकर बना ले और उसे स्थापित करें। साथ ही भगवान शिव अथवा विष्णु जी का चित्र भी स्थापित करें। उसके साथ ही एक छोटा सा शिवलिंग एक अन्य पात्र में स्थापित कर दें। पहले गुरु पूजन कर साधना के लिए आज्ञा लें और फिर गणेश जी का पंचोपचार पूजन करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी का और शंकर जी का पूजन करें। पूजन में धूप, दीप, फल, पुष्प, नैवेद्य आदि रखें। प्रसाद 5 मेवों का भोग लगाएं। यह साधना रविवार शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच करें। माला रुद्राक्ष की उत्तम है और 9, 11 या 21 माला मंत्र जाप करना है। दीप साधना काल में जलता रहना चाहिए। भगवान शेषनाग का पूजन करें। आपको पूर्व दिशा की ओर शेषनाग की स्थापना करनी है और उसके ईशान कोण में मनसा देवी की, अपना मुख भी पूर्व की ओर रखना है। अब भगवान शेषनाग का आवाहन करें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर निम्न मंत्र पढ़ते हुए शेषनाग पर चढ़ाएं। अब आवाहन मंत्र इस प्रकार है। ओम विप्रवर्ग श्वेत वर्णम सहस्रफणम संयुतम आवाहयाम्यहम दीवं शेषम वैविश्वरूपिणम ओम शेषाय नमः शेषम अव्वयामि ईशान्या अमृत रक्षिणी साहिताये मनसा देवे नमः प्रतिष्ठः प्रतिष्ठः। अब हाथ में अक्षत ले और प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र
इस प्रकार है। ओम मनो ज्योतिर्जुषता माज्यस बृहस्पतिर्यज्ञ मिमंतनो त्वरिष्टं यज्ञ परं समीन ददातु विश्वे देवसे इहं मदन्तामु प्रतिष्ठ अस्मे प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्मे प्राणः क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाये मामहेति च कश्चन। अब मनसा देवी का पूजन करें। अब ईशान कोण में एक अष्टदल कमल अक्षत से बनाए और उस पर एक तांबे या मिट्टी के कलश पर कुमकुम से दो नाग बनाकर अमृत रक्षिणी माँ मनसा की स्थापना करें। कलश पर पांच प्लव रखकर नारियल पर लाल वस्त्र लपेटकर रख दें। हाथ में अक्षता कुमकुम पुष्प लेकर मनसा देवी की स्थापना के लिए निम्न मंत्र पढ़ते हुए अक्षता कलश पर छोड़ दें। ओम अमृत रक्षिणी साहिताये मनसा देवी नमः प्रतिष्ठः प्रतिष्ठः। अब मनसा देवी का पूजन पंचोपचार से करें। एक जल आचमनी चढ़ाएं। ओम अमृत रक्षिणी साहिताये मनसा देवी नमः ईशनानम् समर्पयामि। चंदन से गंध अर्पित करें। ओम अमृत रक्षिणी साहिताये मनसा देवी नमः गंधम समर्पयामि। पुष्प अर्पित करें। ओम अमृत रक्षिणी साहिताये मनसा देवी नमः पुष्पम समर्पयामि। अब धूप। ओम अमृत रक्षिणी साहिताये मनसा देवी नमः धूपम अर्ध्यामि दीप। ओम अमृत रक्षिणी साहिताये मनसा देवी नमः दीपम दर्शयामि। नैवेद्य मेवो या दूध से बना नैवेद्य अर्पित करें। ओम अमृत रक्षिणी साहिताये मनसा देवी नमः नैवेद्यम समर्पयामि। अब पुनः आचमनी जल अर्पित करें। ओम अमृत रक्षिणी साहिताये मनसा देवी नमः आचमनीय जलम समर्पयामि। अब नाग पूजा बताई हुई विधि से करें। अगर किसी कारण पूर्ण पूजा न कर पाए तो पंचोपचार पूजन कर ले। वैसे साधना का पूर्ण लाभ लेने के लिए पूजन विधि अनुसार ही करें। अब नीला और सफेद धागा शेष नाग को अर्पित करें। यह धागा पूछ की तरफ ही अर्पित करना है या चढ़ा देना है। रुद्राक्ष की माला से निम्न मंत्र का जप करें। ओम शम शम श्री शेष नाग राजाय नमः। जप समाप्ति पर माला को गले में पहन लें और यह माला पहन कर ही सोएं। जब साधना पूर्ण हो जाए तो शिवलिंग का पंचोपचार पूजन करें और पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। या शिव कवच से भी अभिषेक किया जा सकता है। नहीं तो लघु रुद्राभिषेक स्तोत्र पढ़ते हुए भी किया जा सकता है। इसके बाद आप चाहो तो सर्प सूक्त का पाठ कर ले। सोते हुए माला गले में रहे। दूसरे दिन आप उस नाग की आकृति को किसी नदी पर जाकर जल में प्रवाह कर दें। समस्त पूजन सामग्री के साथ जो पूजन किया है वह फूल आदि भी सब प्रवाहित कर दें। कलश का
जल घर में छिड़क दें या किसी पौधे को डाल दें। इस प्रकार यह साधना पूर्ण हो जाती है और अखंड धन आने के मार्ग खोल देती है और कर्ज से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।